अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ डेरा इस्माइल खान में। आज फाइनली जितने भी फूड लवर्स हैं, जितने भी फूड ब्लॉगर्स हैं डेरा इस्माइल खान में, उनके लिए मैंने एक बेहतरीन जगह ढूंढ लिया जी। पूरा डेरा इस्माइल खान घूमा है और पूरा डेरा इस्माइल खान घूमने के बाद मैं पहुँचा हूँ अल मैक्सी जूस पॉइंट एंड फूड कैफ़े पे। दो ब्रांचें हैं सिर्फ इनकी डेरा इस्माइल खान में। अभी जिस ब्रांच पे मैं बैठा हूँ ये बिल्कुल बनू अड्डे के साथ है और दूसरी इनकी ब्रांच जो है वो फवारा चौक के पास है। दरअसल मेरी जब पैर से नज़र पड़ी तो इतना मैं जो है इम्प्रेस हुआ हूँ इनका जो आर्किटेक्चर है, इनका जो लुक है कैफ़े की, और बाहर से बंदे का ना दिल कहता है बाग बाग हो गया है। तो अगर आपका माइंड अगर नहीं भी कर रहा ना, अगर आपको दिल नहीं भी कर रहा कि आप कुछ जूस पिए या आप कोई मिल्क शेक पिए या आप किस कैफ़े पे जाएं, तो ऑटोमेटिकली ना आपका एक बार दिल ज़रूर चाहेगा यार आप इनके कैफ़े पर विजिट ज़रूर करें। क्योंकि इनकी जो बाहर से आप लुक देखेंगे, बाहर उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से जो है अपने कैफ़े को डिज़ाइन किया है, और जब अंदर आप आएंगे तो सफाई सुथराई का माहौल देख के ना आप जो है कहेंगे यार सारा कुछ एंड इधर ही होता है। तो मतलब जितने भी इनके पास आइटम्स हैं मिल्क शेक के, जितने भी इनके पास बाकी आइटम्स हैं, वो आप देखें बिल्कुल हर एक आइटम साफ़ सुथरा है और शीशे के अंदर रखा हुआ है। ना कोई मक्खी है, ना कोई मतलब डस्ट है, किसी किस्म की भी जो गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथराई से जो है यहाँ पे काम किया गया है। और दूसरा, जब इनके मेन्यू पर मैंने नज़र डाली है तो इंतहाई मुनासिब रेट्स हैं, इतने ज़्यादा रेट्स नहीं हैं। अमूमन आप किसी लग्जरी कैफ़े में जाएं तो आपको जो है रेट जो है हाई नज़र आते हैं, लेकिन इनके कैफ़े पे मैं हूँ रेट्स भी इंतहाई मुनासिब नज़र आए हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आपको एक रिव्यू दूँ, जितने भी फूड ब्लॉगर्स हैं, जितने भी लोग जो है जो अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं, तो वो ज़रूर जो है अल मैक्सी जूस पॉइंट फूड कैफ़े पर आएँ। बिल्कुल बनू अड्डे के साथ जो है इनकी अल मैक्सी जूस पॉइंट फूड कैफ़े है, आप यहाँ पर आकर विज़िट कर सकते हैं। जब इनके ओनर से मेरी बात हुई, उन्होंने वजह ये बताई है कि सफाई तो एक जो है निस्फ ईमान है, क्योंकि सफाई जब आप रखते हैं तो आपका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। और जब आप किसी कस्टमर को कोई अच्छी चीज़ देते हैं, अच्छी तरफ से ट्रीट करते हैं और एक अच्छे मैनर में, एक अच्छी क्वालिटी जो है मुनासिब कीमत में देते हैं, तो वो दोबारा भी आपके पास आता है। इनका मोटिव ये है कि इन्होंने कस्टमर को फैसिलिटेट करना है, अपना मार्जिन रख के बाकी जो है लूट मार नहीं मचानी है जैसे बाकी तर कैफ़ेज में मचा देते हैं। तो यहाँ पे लेडीज़ के लिए अलहदा बैठने की जगह है, ये नहीं है कि मतलब जेंट्स का एक हिस्सा पोर्शन बना है तो उसी के अंदर ही मतलब पर्दा लगा के बना दिया, नहीं, लेडीज़ के लिए अलहदा सेट पर आप दे सकते हैं, पूरी एक जगह है। मतलब लेडीज़ अगर अकेली भी आएँ तो उनको कोई मसला नहीं होगा, उनके लिए बाकायदा अलहदा जगह बनी हुई है। अगर फैमिली आती है, फैमिली के साथ बच्चों के साथ आएँ, तो आप यहाँ पे आराम सुकून से बैठ कर जो है यहाँ पे लुत्फानंदोज़ होंगे। अगर आप दोस्तों यारों के साथ आए हैं तो यहाँ पे अलहदा जगह बनी हुई है। तो चंद एक आइटम मैं इनके जो है नाम ले लेता हूँ, मेन्यू आइटम बहुत बड़ा है, शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। तो इनके पास अमरूद वाला भी है, आड़ू वाला भी है, सेब केले वाला भी है, खजूर जो है ख़ास तौर पर ये डालते हैं अपने जितने भी मिल्क शेक्स बनाते हैं उनमें ये डालते हैं। इसके अलावा खोया, ये सेब स्पेशल आइसक्रीम जो है मिल्क शेक भी है, केला स्पेशल आइसक्रीम मिल्क शेक भी है, खजूर स्पेशल मिल्क आइसक्रीम शेक भी है इनके पास, पाइन स्पेशल आइसक्रीम मिल्क शेक भी है इनके पास, अंगूर वाला भी है, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी वाली भी है, चॉकलेट फ्लेवर भी इनके पास है। बाकी इनके पास नज़र डालें तो छोटा कप भी है, मीडियम कप भी है जो है इसके पास, बड़ा कप भी है, और मुख्तलिफ वैराइटीज़ है, बादाम काजू वाला जो है मिल्क शेक वो भी इनके पास अवेलेबल है, पिस्ता मिल्क शेक भी इनके पास अवेलेबल है, अनार भी है, खालिस सेब का भी है, पाइन एपल जूस भी है, गाजर भी है, गाजर माल्टा भी है, गाजर सेब भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, फालसे का भी है, आलू भी है, और आलू बुखारे का जूस भी है। तो ये आपको इंतहाई मुनासिब रेट में मिलेंगे, और जब आप यहाँ पे आएंगे सफाई सुथराई का जो है बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। तो अगर आप डेरा इस्माइल खान में एक अच्छे कैफ़े की तलाश में हैं, जूस पॉइंट की तलाश में हैं, तो अल मैक्सी जूस पॉइंट फूड कैफ़े जो है आपके लिए ला रहा है। अगर आप फवारा चौक की ब्रांच में जाना चाहें वहाँ भी इनके ब्रांच में जा सकते हैं। अगर आप बनवाटे वाली ब्रांच पर आना चाहें तो बिल्कुल रोड के ऊपर आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो फाइनली जो है हमारा जो है मिल्क शेक बन के आ चुका है, इसको टेस्ट करता हूँ और आपको रिव्यू भी देता हूँ साथ, और साथ ही आपको स्ट्रॉ भी दिया जाता है। अगर आप स्ट्रॉ की मदद से जूस पीना चाहिए तो आपकी मर्ज़ी है, और अगर आप देसी बुआए हैं तो आप जो है इसको निकाल के वैसे भी पी सकते हैं। इंतहाई जी, इसके अंदर इन्होंने एक खजूर भी डाली हुई है, और
बिल्कुल जो है ये इन्होंने भरा हुआ था, और यकीन माने जैसे ही अंदर गया ना मेरे स्टोमच के अंदर तो मज़ा आ गया। चॉकलेट का फ्लेवर भी आ रहा है, इन्होंने बनाना डाले हैं और खजूर जो स्पेशली इन्होंने डाली है वो तो है आउट क्लास, मज़ा आ गया उससे तो बहुत अच्छा टेस्ट है जी। क्योंकि टेस्ट इनका इसी वजह से अच्छा है, मुख्तलिफ जो है मेहनत करते हैं और ख़ास तौर पर देखा जाए क्वालिटी पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और देख सकते हैं ग्लास भी इनका बड़ा है, उमूमन आप कैफे में जाते हैं ग्लास छोटे होते हैं, लेकिन इनका ग्लास भी बड़ा है और इनका जो है टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत मज़ा आया और बहुत ही लाजवाब है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप डेरस मेहरान में हर जगह चले जाएँ, किसी भी आप जो है जूस पॉइंट कैफे चले जाएँ, मैं दावा करता हूँ कि इससे अच्छा आपको टेस्ट कहीं भी नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आके एंजॉय कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग जी, माइंड ब्लोइंग और सुपर।